मैं आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो सेशन में। ये वीडियो अल्फा स्टेट के ऊपर है। मेरा आपसे वादा है इस वीडियो से आपको ऐसी पावरफुल नॉलेज प्राप्त होगी जो आपके मरते दम तक आपका साथ देगी। इस वीडियो में बताए जाने वाले तरीके से आपका दिमाग ऐसी गहराई को छुएगा जो आपने कभी भी महसूस नहीं किया होगा, भले ही आपने घंटों मेडिटेशन या ध्यान किया हो। हमारी ज़िंदगी में बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं जिनके रहते हम अपने सपनों को पूरा करने का ख्याल ही छोड़ देते हैं, सब कुछ किस्मत के हवाले कर देते हैं। हमारे सपने कुछ भी हो सकते हैं, जैसे अच्छा जीवन साथी पाना हो, अच्छी नौकरी पाना हो, बहुत सा पैसा कमाना हो। लेकिन अपने सभी सपने आप तभी पूरे कर सकते हो जब आपका दिमाग आपके वश में हो और आप उसका पूरा इस्तेमाल कर सकें। और ये वीडियो में दी गई जानकारी आपकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है। अल्फा स्टेट में जाने का तरीका अगर एक बार आपने समझ लिया, फिर सारी दुनिया भी आपको गिराने लग जाए और आपके खिलाफ खड़ी हो जाए तो भी आप झुक नहीं पाओगे, क्योंकि आपका सबसे बड़ा हथियार आपका दिमाग आपका साथ देने लगेगा। एल्बर्ट आइंस्टाइन कहते थे, हम किसी भी प्रॉब्लम को तब तक सॉल्व नहीं कर सकते जिस लेवल की थिंकिंग से हमने उसे क्रिएट किया है। आपकी लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम्स चल रही होंगी, जिस लेवल की थिंकिंग अभी आपकी है उस लेवल की थिंकिंग से अगर आप उसे सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो इस वीडियो में दी गई जानकारी से आपकी थिंकिंग लेवल इंक्रीज होगा, जिससे आप अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व कर पाओगे। इस वीडियो में आपको तीन चीज़ें सिखाने वाला हूँ। सबसे पहला, अल्फा स्टेट में कैसे जाते हैं। दूसरा, अल्फा स्टेट में जाकर ऐसा क्या करना है जिससे आप अपने सपनों को हासिल कर सको, जिससे आप अपने दिमाग को और भी पावरफुल बना सको। तीसरा स्टेप है, अल्फा स्टेट से बाहर कैसे आना है। ये स्टेप उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना पहला स्टेप है कि अल्फा स्टेट में जाना कैसे है। इसके बारे में मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। सबसे पहला स्टेप है कि अल्फा स्टेट में कैसे जाते हैं। किसी भी चीज़ को करने से पहले उससे आपको पहले अच्छे तरीके से समझना होता है, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि अल्फा स्टेट होती कैसे है। जब भी आप कोई एक्टिविटी करते हो तो आप बीटा स्टेट में होते हो। जैसे अभी आप ये वीडियो देख रहे हो, आप अभी बीटा स्टेट में हो। अगर मैं बीटा स्टेट में आपको ये बोलता हूँ, आप किसी भी बड़े से बड़ी बीमारी को ध्यान के ज़रिए, मेडिटेशन के ज़रिए ठीक कर सकते हो, तो आपका माइंड कहीं ना कहीं इस बात को नहीं मानेगा। अगर यही बात मैं आपको आपकी अल्फा स्टेट में बोलता हूँ तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इसको सच मानकर इस पे काम करना शुरू कर देगा। अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको और भी अच्छे से समझ आएगा। जब आप रात को सोने के लिए जाते हो तो सोने के कुछ सेकंड पहले आपका माइंड अल्फा स्टेट में होता है। उस वक्त जैसा भी आपका मूड होता है आपकी नींद वैसी ही बदल जाती है। अगर आप रात को अच्छे मूड के साथ सोते हो, यानी अल्फा स्टेट में जब आप होते हो, अच्छा मूड आपका होता है, तो आप सुबह तरोताज़ा उठते हो। लेकिन अगर आपका मूड उस वक्त टेंशन से भरा होता है तो आप 8 घंटे सोने के बाद भी सुबह थके हुए उठते हो, क्योंकि सोने से पहले आप अल्फा स्टेट में होते हो। और जैसा भी आपका मूड होगा, जैसा भी आप महसूस कर रहे होंगे, आपका माइंड उस बात को सच मान लेगा और उसी पे काम करना शुरू कर देगा। अब तक आप जान गए होंगे कि अल्फा स्टेट क्या है। अब हम सीखेंगे अल्फा स्टेट में कैसे प्रवेश करते हैं। ये तरीका ध्यान के ज़रिए हम करेंगे, लेकिन और भी एडवांस और अच्छे तरीके से। आप अपने दिन का कोई भी ऐसा टाइम रख लें जिसमें आपको कोई भी व्यक्ति 10-15 मिनट के लिए आपको डिस्टर्ब ना कर सके। अभी आपको ये करना नहीं है, पहले इस वीडियो को अच्छे से देख लें, समझ लें, फिर आपको ये करना है।
आपको किसी भी पोजीशन में बैठ जाना है, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे। ऐसा करते वक्त आपकी बीटा स्टेट चल रही होगी। अब ध्यान से समझे, आपको बीटा स्टेट को रिलैक्स करना है ताकि आप अल्फा स्टेट में प्रवेश कर सकें। बीटा को रिलैक्स करने के लिए आप गहरी सांसें ले सकते हैं। 2 मिनट आप गहरी सांसें ले लें। गहरी सांसें लेने के बाद आपको अपनी आंखों को बंद कर लेना है। आंखों को बंद करके फॉरहेड की तरफ आपको देखना है। ऐसा इसलिए करना है क्योंकि ऐसा करने से आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली अल्फा ब्रेन वेव्स जनरेट करने लगता है, जिससे आपको और भी ज़्यादा मदद मिलेगी अल्फा स्टेट में प्रवेश करने की। आपको ऐसे ही रहना है। अब आपको और भी गहरा उतरना है, और गहरा उतरने के लिए सबसे ज़्यादा रुकावट जो बनते हैं वो आपके थॉट्स बनते हैं, यानी विचार बनते हैं। आपको उनको रोकना है। अब मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बताऊंगा जिससे आपके विचार बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। अपने विचारों को या थॉट्स को रोकने के लिए आपको उल्टी गिनती गिननी है, क्योंकि सीधी गिनती हम आसानी से गिन लेते हैं। जब आप उल्टी गिनती गिनोगे तो आपके दिमाग को बहुत से एफर्ट करने पड़ेंगे, जिससे आपका दिमाग बिजी हो जाएगा गिनती को गिनने में। जैसे ही आपका दिमाग बिजी हो जाएगा, आपके विचार आना बंद हो जाएंगे। आपको शुरू में उल्टी गिनती गिनना थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, पर जब भी आपसे कोई गलती हो जाए फिर से आपको गिनती गिनना शुरू कर देना। एक टाइम ऐसा आएगा गिनती गिनते गिनते आपके विचार आना बिल्कुल बंद हो जाएंगे, गहरी शांति छाने लगेगी। यही स्टेट अल्फा स्टेट कहलाती है, और इसी स्टेट की वजह से ही रात को आपको नींद आती है। अब आता है दूसरा स्टेप कि आपको इस स्टेट में करना क्या है। अब इस स्टेट में आप बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं, जो चाहे अपनी ज़िंदगी में पा सकते हैं। इसके ऊपर मैं अलग से आने वाली वीडियोस में डीपली आपको समझाऊंगा। अब आपको करना ये है, आपको वो चीज़ें बोलनी हैं जो आप अपनी ज़िंदगी में पाना चाहते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप दुखी रहते हो, उसके लिए आप बहुत सी ऐसी चीज़ें अपने आप को बोल सकते हो। मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, मेरा अपने ऊपर पूरा विश्वास है, मेरा ध्यान गुजरे हुए कल पे नहीं बल्कि आने वाले पल पे रहता है, मेरा मन बिल्कुल शांत है और मेरा ध्यान पूरी तरह अपने लक्ष्य पर केंद्रित है। मुझे हार या जीत से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे खुद की काबिलियत पर पूरा भरोसा है। आप जो भी बोलोगे इस स्टेट में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये फीड होता जाएगा और आपका दिमाग इस पे काम करना शुरू कर देगा। अल्फा स्टेट की खूबसूरती ये है कि आप जो चाहें वो इस स्टेट में बोल सकते हो, और वैसा ही आपकी ज़िंदगी में बदलना शुरू होता जाएगा। आपका जो भी मन है आप वो चीज़ें बोल सकते हैं जो भी आप चेंज करना चाहते हैं। अब आता है तीसरा स्टेप। अगर आप ध्यान करके एकदम उठ जाते हो तो आपका सारा ध्यान खराब हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए, आप डीप मेडिटेशन में हो, गहरे ध्यान में हो, अल्फा स्टेट में हो। अगर आप एकदम बीटा में आ जाते हो तो आप उतना अच्छा महसूस नहीं करोगे, क्योंकि एकदम शांति से एक्शन में आ जाने से आप वैसे ही हो जाते हो जैसे आप ध्यान करने से पहले थे। अब आपको अल्फा स्टेट से बाहर आने के लिए करना ये है, जब आपको लगे कि आपका ध्यान पूरा हो चुका है तो थोड़ी देर ऐसे ही बैठे रहें। उसके बाद आपको थोड़ी सी आंखें खोलनी हैं, समझो कि आपने 10% आंखें खोलनी हैं। फिर आपको अपने मन में बोलना है, मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। आपको धीरे धीरे आंखें खोलते जाना है थोड़ी थोड़ी, और बोलते जाना है कि मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। ऐसा करने का फ़ायदा आपको ये होगा, आप एकदम अल्फा से बाहर नहीं आओगे बल्कि अल्फा स्टेट में ही जागना शुरू कर दोगे, और ऐसा करने से गहरे ध्यान का असर आपके ऊपर ज़्यादा देर तक बना रहेगा। अगर आप इस वीडियो में बताए गए तरीके को फॉलो करते हो तो पहली बार ही अल्फा में जाने के चमत्कारी बेनिफिट आपको मिलेंगे।
बातचीत के साथ मैं ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। आई होप कि ये वीडियो आपकी लाइफ में एक बहुत अच्छा बदलाव लेकर आए। थैंक यू।